Okay, so let us start with now next news that next current affair session for 21st of June. You know, today is International Yoga Day, and I'm going to discuss with you a couple of news, and these are the news which I will be talking about. So Vande Bharat Mission kya hai? Garib Kalyan Rojgar Abhiyan recently launched for migrant workers. Wo kya hai? ऑयल इंडिया जो के एक वेल में देर इज अ फायर इन असम, सो वी विल टॉक अबाउट दैट. विच कंट्रीज आर नाउ हैविंग मैक्सिमम केसेस एंड वेर इज द इंडिया एज फार एज दिस कंट्रीज आर कंसर्न. जगन्नाथ यात्रा इज वेरी फेमस यात्रा इन पुरी उड़ीसा. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट, सो दैट इशू. इंटरनेशनल योगा डे 21st जून. नाउ गुड न्यूज फॉर दोज who want to drink. So Amazon and Big Basket joins some another such companies, e-retailers, who are which companies we are going to provide you now liquor at your doorstep. So we are going to discuss about that. China is again going to घेराव India, making neighbors on his its side. So Bangladesh is the latest, I mean the country. Earlier also Bangladesh was in the fold of China. China के debt trap में है ये Bangladesh. तो China is wooing the Bangladesh with the tariff exemption. So this is a recent sop given by China to Bangladesh. China ने new security laws Hongkong के लिए बनाए हैं. 1997 में Hongkong got independence from British rule and was merged into China. With there were some conditions that for 50 years China is not going to interfere much in the freedom of Hong Kong, but China is making new security laws. There is another reason why Europe, America is not very happy with China. And USA is celebrating Juneteenth, June 19th, Freedom Day बोलते हैं उसमें. Slavery खत्म हुई थी इस दिन. So, but this day there was some kind of some violence because of the recent racial discrimination issue going on in USA. Anyhow, let us start with first news now. Vande Bharat Mission है क्या ये? Vande Bharat Mission is all about bringing Indians from foreign countries due to COVID-19 shutdown. So our Indian people are in different countries and they are stranded there, फंस गए हैं वहाँ पे. उनको वापिस लाना है. वापिस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया लिमिटेड एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो उसकी सब्सिडरी है, ये दो नाम याद रखने हैं. एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस का ही नाम अब एयर इंडिया हो गया है. तो एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये दो जो पब्लिक कैरियर हैं उनका यूज करके दे आर डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट टू फेजेस में ये दो इन्वॉल्व होंगे. थर्ड फेज में दे विल इंक्लूड सम अनदर एयर कैरियर्स ऑल्सो. सो फॉरेन कंट्रीज से लोगों को लाना, दैट इज वंदे भारत मिशन. सो ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियन फ्रॉम अब्रॉड एंड 64 फ्लाइट्स ओवर फर्स्ट वीक. रिपेट्रिएट, रिपेट्रिएट होता है वापस लेके आना स्ट्रैंडेड इंडियन जो वहां फंस गए हैं. और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन होगा. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन का नाम वंदे भारत मिशन. फ्रॉम 12 कंट्रीज सम 14,000 इंडियंस आर टू बी ब्रॉट बैक इन फेज वन. अब ये रिस्की भी है बिकॉज कोविड फैला हुआ है उन कंट्रीज में भी एंड दिस इंडियंस में भी हैविंग द कोविड. सो ऑब्वियसली देन इनके क्वारंटाइन होगा प्रॉपर तरीके से एंड देन हाउ इट इज टू बी डन. सो 650 फ्लाइट्स अंडर वंदे भारत मिशन जो जुलाई में दे आर प्लानिंग. एंड हु इज द चेयरमैन सीएमडी ऑफ एयर इंडिया? राजीव बंसल द नेम यू कैन रिमेम्बर. एयर इंडिया का सब्सिडरी कौन सा है? एयर इंडिया एक्सप्रेस. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो सबसे बड़े जो फॉरेन से इंडियंस को वापस लाना है उस प्रोग्राम का नाम क्या है? वंदे भारत मिशन, दैट इज नंबर वन. नंबर टू, एयर इंडिया की सब्सिडरी का नाम बताओ. इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, एयर इंडिया कुछ और नाम वो लगा देगा. तो आपको कुछ नाम यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस याद रखना है. व्हाट इज द सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया? एंड देन क्वेश्चन कैन बी अबाउट हु इज द सीएमडी ऑफ एयर इंडिया? राजीव बंसल. दोस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ओके, नाउ लेट्स गो टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान. रोजगार, गरीब कल्याण योजना अलग है, लेकिन गरीब कल्याण रोजगार अभियान, रोजगार अभियान ये अलग है. ये एक रूरल पब्लिक वर्क स्कीम है.
जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फॉर माइग्रेंट वर्कर, जो रिटर्न माइग्रेंट वर्कर हैं यूपी बिहार स्पेशली दीज टू मेजर स्टेट्स में, उन लोगों के लिए इसका एक प्रोग्राम बनाया गया है। और 20 जून को ये लॉन्च हुआ विलेज तेलीहार से, ब्लॉक बेलदौर एंड खगारिया डिस्ट्रिक्ट बिहार, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इज प्रॉपरली, खगारिया डिस्ट्रिक्ट बिहार। अब ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से ये लॉन्च हुआ, विच डिस्ट्रिक्ट से ये लॉन्च हुआ और किस गांव से ये लॉन्च हुआ, राइट right? एंड इसका नाम ये किसके लिए था, तो रिटर्न जो रिटर्नी है माइग्रेंट वर्कर वापस अपने रूरल इंडिया रूरल विलेजेस में गए हैं उनके लिए ये था। सो 116 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं इन 6 स्टेट्स, जो मैंने आपको पिछले कल डिस्कस किया था, वो 6 स्टेट्स हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन बिहार, 31 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाई मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और फिर कुछ झारखंड एंड उड़ीसा के हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये 6 स्टेट्स का नाम याद रखना है। इनमें 116 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बेसिकली ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 27 जिनमें दे कवर 2/3 ऑफ एंटायर माइग्रेंट वर्कर जो है वो इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो ऑब्वियसली मोर फोकस इज टू बी डन हियर। तो 50,000 करोड़ रुपीज इज टू बी स्पेंड ऑन 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, जिससे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि जो महात्मा गांधी नरेगा है, दैट प्रोग्राम इज सिमिलर टू दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी डेवलप होता है, लेकिन दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर टाइम, दिस इज टू बी डन इन 125 डेज। तो लोगों को काफी इंप्लॉयमेंट और इंटेंसिफाइड होगा और फोकस्ड होगा ये ऑन 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स ओनली, राइट, एंड इट विल नॉट बी ऑन एंटायर इंडिया, बट 120 जो उन्होंने 116 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं उसमें ये चीज होगा। सो व्हाट आर द मेन क्रक्स ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान, एक तो इम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स, रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर रूरल सिटीजंस आल्सो। ऐसा नहीं कि रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर ही होना चाहिए, बट रूरल इंडिया में अगर कोई सिटीजन है रूरल इंडिया में इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ही कैन आल्सो गो फॉर इट। कितने दिन का है, 125 डेज। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 116, और कितने स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स। और कितना रुपया खर्च होना है, 50,000। 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इज आइडेंटिफाइड टू बी डन इन दिस। ओके, सो इसमें कोऑर्डिनेट एफर्ट होगा 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स का। सो यार, दीज आर द डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज विच विल वर्क टुगेदर टू मेक दिस एंटायर थिंग सक्सेसफुल। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट न्यूज। ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक वेल में आग लग गया, एंड दैट वेल इज इन भागजान 5 इन तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम। तो असम में एक तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़ के पास, और वहां पे आग लग गई, एंड प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग एंटायर दिस थिंग, ही इज हिमसेल्फ ऑब्जर्विंग दिस एंटायर थिंग। सो रिसेंटली मीटिंग हुआ, होम मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वॉज देयर, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम वॉज देयर। तो इनकी मीटिंग हुई कि वट इज टू बी डन। अनकंट्रोल्ड गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस वेल ऑन 27th में, और फिर इसमें आग लग गई। दिस इज हाउ इट इज। सो कहाँ पे किसका वेल था, वो ऑयल इंडिया का था, दैट इज द न्यूज। किस जगह पे लगा, तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में लगा, एंड तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, यू सी डिब्रूगढ़, तीनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम। सो मेकअप अ मेंटल मैप ऑफ दिस, गुवाहाटी समवेयर हेयर, गुवाहाटी समवेयर हेयर, बट दिस इज तीनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस वे। Now, what are the, which are the four, five most affected countries by COVID-19? And India is fast catching up. And this is not a good thing, but India is going to surpass these countries very soon. The kind of population India has and the kind of number is increasing. So, sabse jyada jo case hai, that is United States, 21 lakh and more than 1 lakh death have taken place in United States itself. Population of United States is approximately 30 crore and population of India is 130 crore. You understand that. So far India is 3 lakh cases only, but 4 lakh आज की डेट में, ये पहले का स्टेटिस्टिक्स है, आई थिंक यस 16 जून का है, एंड टुडे इज 21 जून। तो 21 जून को 4 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं, एंड डेथ्स भी 10,000 से ऊपर हो चुकी हैं।
सो विच आर द कंट्रीज अहेड ऑफ इंडिया, यूएस, ब्राजील, रशिया. ब्राजील में भी अभी ये केसेस 10 लाख प्लस हो चुके हैं आज की डेट में, 1 मिलियन प्लस केसेस. यूएस में 2 मिलियन, ब्राजील में 1 मिलियन, इंडिया में 4 लाख केसेस, रशिया इज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के आसपास हो चुका है. सो दीज आर द कंट्रीज विच आर मोस्ट अफेक्टेड. तो 5 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज के नाम अगर हमसे को पूछे, विल से यूके, इंडिया, रशिया, ब्राजील, यूएस. वी नीड टू बेसिकली आइडेंटिफाई दिस, राइट. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट न्यूज. जगन्नाथ यात्रा बहुत ही स्पिरिचुअल एंड फेमस एक स्पिरिचुअल यात्रा मानी जाती है इन उड़ीसा, पुरी. जगन्नाथ पुरी एक भुवनेश्वर के पास, आई थिंक 50-60 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर देयर इज अ प्लेस, एंड वहां पे हर साल जगन्नाथ यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है. 3 डेटीज, 3 गॉड्स की रथ यात्रा. आई विल डिस्कस विद दैट. और वो हर हर साल होती है. अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कोविड के चलते. तो जो चीफ सर्विटर हैं, जो पुजारी हैं वहां के जगन्नाथ टेम्पल पुरी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी कि आप प्लीज इसको अलाउ करें, 23 जून को होना है, बिकॉज दिस इज प्रोटेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इट अफेक्ट्स द सेंक्टिटी. दैट मीन्स इट इज वेरी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और इसको नॉन ऑब्जर्व करना अच्छा नहीं माना जाता. सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, दैट इज द न्यूज. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक जो है वो उसको बैन किया है 18 जून को, कि नहीं हो सकता. तो जो इसके मेन पुजारी हैं वो ये बोलते हैं कि इवन जब स्पेनिश फ्लू हुआ था 1919 में, इवन देन ऑल्सो इसको नहीं रोका गया था. तो इस रथ यात्रा में जो आप देख रहे हैं, रथ जो चैरियट और रथ चलाए जाते हैं, 1, 2, 3, 3, 3 रथ होते हैं. लॉर्ड जगन्नाथ के होते हैं, लॉर्ड बलभद्रा के होते हैं, एंड यंगर सिस्टर सुभद्रा का, और एक सुदर्शन का. तो ये 3 रथ वहां पे चलते हैं, और एज यू कैन सी 1, 2, 3, 3 चैरियट यहाँ पे होते हैं. तो इन डेटीज के वो रथ होते हैं, दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट. तो कहाँ होता है ये? पुरी में होता है. और जगह लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है कहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम न्यूज परस्पेक्टिव. टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून, एंड 2014 में, 2014 में यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड इट एज इंटरनेशनल योगा डे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड योगा हैज अ मीनिंग. इट गिव्स 5 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज. रिमेंबर दिस. फिजिकल तो आपको बेनिफिट होगा ही हेल्थ में, मेंटल हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई. इमोशनली यू बिकम बैलेंस्ड. इंटेलेक्चुअल लेवल इम्प्रूव्स, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. तो आपकी जो हेल्थ होती है ना, दैट इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ. फिजिकल के साथ साथ, लाइक रिसेंटली यू सॉ पीपल कमिटेड सुसाइड. तो जो आदमी सुसाइड करता है, ही लुक्स लाइक टोटली फिट. सुशांत राजपूत ने भी सुसाइड किया, ही वॉज माई फेवरेट एक्टर. तो वो बहुत ही फिट लगते थे, लेकिन मे बी ही वॉज नॉट इमोशनली दैट फिट, और ही वॉज नॉट मेंटली दैट फिट. ही वॉज अंडर गोइंग डिप्रेशन. सो वेन वी से हेल्थ, देन हेल्थ में ये सब 5 चीज आती है. और स्पिरिचुअल हेल्थ जो आपको बैलेंस करती है बाकी चीजों में, तो जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन चीजों को रिमूव करने के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आदमी आपको बिल्कुल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हेल्दी लगता है, वो बेसिकली योगा कर रहा है. एंड योगी इज द पर्सन हु इज पुटिंग एफर्ट, एंड एनीबडी हु इज पुटिंग एफर्ट, ही नीड्स टू हैव हिज हेल्दी कंडीशन. एंड हेल्दी कंडीशन नॉट ओनली फिजिकली बट अदरवाइज ऑल्सो. दिस आई थिंक दिस दिस पर्टिकुलर हरारकी, दिस आई लाइक दिस हरारकी. दिस जो हमने बना रखा है, इसमें मैकेनिज्म है योगा का. मैकेनिज्म कैसे करते हैं योगा, उसका मैकेनिज्म शो किया हुआ है. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें, बॉडी की मूवमेंट और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की कोऑर्डिनेशन है इसमें. एंड देन बॉडी को स्टिल करना है, माइंड को भी स्टिल करना है. पहले बॉडी स्टिल होगी, फिर माइंड स्टिल होगा. बिकॉज इफ योर माइंड इज नॉट स्टिल, इट इज जंपिंग लाइक मंकी, यू विल नॉट बी एट पीस एंड यू विल बी डिस्टर्ब्ड. सो वेन ब्रीदिंग बिकम्स स्टडी, इमोशंस ऑल्सो बिकम बैलेंस्ड. तो आप अपनी बॉडी का एंड इवेंचुअली आपका साइको फिजियोलॉजिकल एंटायर सिस्टम इम्प्रूव्स. साइको मीन्स माइंड, फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी. तो माइंड एंड बॉडी बैलेंस्ड वेन यू गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज वेल एज बॉडी का मूवमेंट, दीज टू थिंग्स विल मेक योर फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल बैलेंस इन योर पर्सनैलिटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. ओके, नाउ अमेजोन एंड बिग बास्केट. बिग बास्केट इज स्पॉन्सर्ड बाई अलीबाबा. चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने बिग बास्केट को स्पॉन्सर कर रखा है. अमेजोन अमेरिकन कंपनी है.
और नाउ दे कैन सेल द लिकर लिकर डिलीवरी दे कैन डू स्विगी एंड जोमेटो को तो पहले ही अल्कोहल बेचने का उनको परमिशन मिल गया था उड़ीसा एंड झारखंड जैसे स्टेट्स में बट नाउ आई थिंक अमेजोन एंड बास्केट इज ऑल्सो गेटिंग इन वेस्ट बंगाल दैट इज अ न्यूज सो यू नो वाई स्टेट्स वॉन्ट टू सेल दिस लिकर liquor they because this is the main source of income for state governments it is a excise duties they charge and covid ke time pe states ne income ko increase karne ke liye liquor ke prices badha bhi diye hain they have increased the price of liquor nowadays so if you see state governments during shutdown their money was not coming to the government so government opened up these liquor shops and people are now purchasing and even now because people are not going out to purchase liquor so government is permitting amazon big basket zomato swiggy ki aap gharon mein jaake liquor ki delivery kar sakte hain that is a news now china is playing i don't know what kind of role here china is घेराउंग india china ne india ke jitne neighborhood hai un sab ko entice karna lagaya hua hai nepal pakistan then Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, all these countries China is bringing towards its side to take India head on. मैंने आपके साथ पहले भी discuss किया था diamond necklace strategy of India and pearl necklace strategy of China. China India को एक pearl necklace में घेराव कर रहा है और India diamond necklace में घेराव कर रहा है that I discussed with you earlier. Recently क्या हुआ Bangladesh को ट्रेड को बूस्ट करने के लिए 97% एग्जेम्पशन दे दी है टैरिफ के ऊपर मतलब टैक्स जो है वो 97% नहीं लगेगा ओनली 3% टैक्स लगेगा आई टोल्ड यू इन द यस्टरडेज क्लास ऑल्सो यस्टरडेज करंट अफेयर आई टोल्ड यू दैट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिपिंग विजिटेड नेपाल इन अक्टूबर last year and after that Nepali Communist Party and Chinese Communist Party they are basically working together and abhi Nepal ne apna naya map nikala jisme India ki kuch territories ko kala pani wagera Lipu Lake ko apne territory mein show kar liya similarly now Xi Jinping visited Nepal also this Bangladesh also and Bangladesh prime minister and I think they had a discussion in bilateral in relation improve kiya Bangladesh prime minister is Sheikh Hasina normally Sheikh Hasina is having inclination for India during prime ministership of Sheikh Hasina the relation between India and Bangladesh are good but Chinese president is giving lot of benefit to these countries to bring them to their side so 97% of the items which Bangladesh is exporting to China now will be tariff free 97% tariff exemption usko mila hai 97% exemption for 97% of product so I think I made wrong statement here by saying that 97% tax exemption hai टैक्स एग्जम्पशन फुल है लेकिन 97% आइटम्स के ऊपर है लेट मी मेक दिस क्लियर हेयर 3095 बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वर एंजॉइंग द फ्री ट्रेड विद चाइना एज पर एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट APTA APTA एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट अब इन्होंने जो नया अनाउंस किया उससे 90% जो प्रोडक्ट बांग्लादेश बेचता है उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा फ्रॉम July 1, 2020 सो लेट मी रिपीट नाउ माय स्टेटमेंट अगेन बांग्लादेशी प्रोडक्ट जो जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा दे आर नाउ 8256 तो 97% ऑफ द आइटम्स विच बांग्लादेश वांट्स टू सेल टू चाइना चाइना उसके ऊपर 0% टैक्स लगाएगा दिस इज टू मेक बांग्लादेश हैप्पी एंड हाउ मेनी आइटम्स comprise this 8256 items which Bangladesh is going to sell to China will be duty free now so earlier 3095 Bangladeshi product were free under APTA Asia Pacific trade agreement so this is how new development has taken place maine aapko pichli class mein bhi discuss kiya tha ki this is China this is Chittagong of Bangladesh this is Myanmar this is Sri Lanka Hambantota and Colombo this is Gwadar in Pakistan so basically China is घेराउंग India like this और ये तो South China Sea में डिटेल में डिस्कस करूंगा Hainan Island यहाँ चाइना के कंट्रोल में तो चाइना wants कि मैं पूरी तरह से इसको और स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से होता हुआ इंडिया को घेराव कर लूँ दैट इज द बेसिकली
intention China is having. ओके, सो चाइना सेज दैट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जिनमें बांग्लादेश भी आता है, उनको मैं टैरिफ नहीं लूंगा, उनसे ट्रेड में टैक्स उनको चार्ज नहीं करेंगे. सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, इफ यू सी चाइना हैज इन्वेस्टेड दिस मच. डेप्ट ट्रैप स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेप्ट देगा, पहले डेप्ट चढ़ा देगा इन कंट्रीज के ऊपर, इनको इन्वेस्टमेंट इनके कंट्रीज में करेगा कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी है, और फिर वहां पे नेवल बेस वगैरह क्रिएट कर रहा है चाइना. सो कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अफगानिस्तान में कितना मिलियन डॉलर किया है, म्यांमार में कितना बिलियन डॉलर किया है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दीज आर द टू कंट्रीज विच आर क्लोजेस्ट टू इंडिया, और इनके बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होते हैं. तो जहां पे ज्यादा इसको चाहिए वो बांग्लादेश और पाकिस्तान चाहिए, तो चाइना डेस्परेटली वांट्स बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टुवर्ड्स इट्स साइड, एंड दीज टू कंट्रीज मैटर अलॉट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितनी हैं वो बांग्लादेश के थ्रू कनेक्टिविटी है, तो चाइना नहीं चाहता कि बांग्लादेश इंडिया की तरफ जाए. सो इज द केस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो. सो दीज टू कंट्रीज में सी द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान दिस चाइना इज डूइंग. Now, what is happening as far as Hong Kong is concerned? Let me tell you, Hong Kong was under British rule till 1997, and then it became free and it came under Chinese rule. But there was agreement that for 50 years China is not going to interfere in the freedom of Hong Kong, because Hong Kong mein jab British rule kar rahe the, to wahan pe Hong Kong ke log used to enjoy freedom of speech, freedom of movement, etc. But Chinese, ऐसा चाइना में ऐसा नहीं है, as you know. So China has brought a new national security law for Hong Kong now, due to which the city's way of life, Hong Kong की जो way of life है, वो change हो जाएगी. And you know, Washington and Europe, they are not happy with this. And national security office जो create हुआ है Hong Kong में, it is going to collect the intelligence and it is going to handle the crime against national security. अब national security के नाम पे तुम किसी को भी पकड़ लोगे और किसी को भी criminal declare कर दोगे, that is something which is going to change the way people used to be there earlier. So people in Republic of China, and here is the Hong Kong in the map as you can see. सो हांगकांग के जो प्रेजेंट लीडर हैं वो हैं लैम, कैरी लैम, और उनको कुछ पावर्स दी गई हैं कि वो अपने जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी केसेस को सुनेंगे. तो कौन जज नेशनल सिक्योरिटी केस सुनेगा, उसकी अपॉइंटमेंट लैम करेंगे उन जजेस का. एंड इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर हैं, अब हांगकांग इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, वर्ल्ड ओवर से उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, और एक बिजनेस हब है, ग्लोबल फाइनेंशियल हब है हांगकांग. तो चाइना डज नॉट वांट के यहाँ पे फाइनेंशियल जो हब है इसका स्टेटस खत्म हो, कि हांगकांग में जो सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बंद कर दें, चाइना वो भी नहीं चाहता. एंड एट द सेम टाइम चाइना ये भी नहीं चाहता कि हांगकांग बहुत फ्रीडम हो, चाइना उसको मेनलैंड चाइना में मर्ज करना चाहता है, जैसे मेनलैंड चाइना है हांगकांग भी वैसा बन जाए, वो भी चाहता है. अब ये दो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं. सो व्हाट चाइना विल डू, दैट इज टू बी सीन. सो ग्रेजुअली चाइना इज बेसिकली मेकिंग हांगकांग जस्ट लाइक इट्स मेनलैंड सिटीज लाइक शंघाई एंड ऑल. So the China says that नया जो law मैंने बनाया है, that is going to tackle the separatist activities. ऐसी activities जो Hong Kong को free करवाना चाहती हैं, subversion, terrorism, foreign forces अगर interfere कर रही हैं, that is what China says is the reason for having national security law. National security law का purpose ये है. लेकिन जो critic हैं वो बोलते हैं कि इसका purpose actually जो freedom है लोगों की उसको curtail करना है. इससे जो लोगों की फ्रीडम है उसको ये रोक लेगा, और ये लॉ डायरेक्टली बेसिकली जो बनाया है वो चाइना ने बनाया है. हांगकांग का अपना भी लेजिस्लेटिव सिस्टम है, लेकिन उनसे नहीं पूछा है, चाइना ने इसको बनाया है. सो जब ब्रिटिश से चाइना लिया था, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि 50 साल तक हांगकांग को ऑटोनोमी रहेगी अंडर वन कंट्री टू सिस्टम. कंट्री तो चाइना है, लेकिन सिस्टम दो रहेंगे, चाइना में जो रूल है वो अलग चलेगा, हांगकांग में अलग चलेगा. तो ये सिस्टम से काम चलेगा, लेकिन चाइना वन कंट्री टू सिस्टम नहीं, वन कंट्री वन सिस्टम के लिए फाइट कर रहा है. चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट. यूरोपियन पार्लियामेंट ने यह भी बोला कि चाइना अगर ऐसा कुछ करता है, तो लेट्स टेक द केस ऑफ चाइना टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक स्पेशलिस्ट बॉडी है, और इसका हेड ऑफिस है हेग, प्रेग के अंदर है. हेग एक जगह है वहां पे, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. तो एग्जाम में ये चीज भी आ सकती है. अब देखो, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे कि किस कंट्री ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आया है रिसेंटली,
दैट इज चाइना लेके आया हांगकांग के लिए, और चाइना हांगकांग चाइना को मिला कब था, 1997 में मिला था। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि वन कंट्री टू सिस्टम किस कंट्री से रिलेटेड एक टर्म है जो वहां पे आती है, ये वहां से पूछा जा सकता है। और यस ये इनका नाम कैरी लैम का नाम भी आ सकता है, हांगकांग के लीडर का नाम क्या है, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट न्यूज नाउ। यूएस सेलिब्रेट्स जून टींथ, जून टींथ नाम देखो कहां से आया, 19th जून को जून टींथ बोलते हैं। इस दिन ऐसा क्या हुआ था, इसके कुछ और नाम पहले बता दूं, इसके कुछ और नाम है फ्रीडम डे, जुबली डे, लिबरेशन डे, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन भी फ्रीडम होता है डे, एंड दिस डे सेलिब्रेट्स द इमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टेक्सास वाज द स्टेट, यू नो। 19 जून थ्रू आउट द यूएस नाउ इट इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंट डे। इस दिन ऐसा क्या हुआ था, अब्राहम लिंकन ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया था कि टेक्सास इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी। 19 जून 1865 अब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डिक्लेयर्ड ऑफिशियली दैट नाउ टेक्सास इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी, एंड सिंस दैट टाइम इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज जून टींथ डे। इट सिंबलाइजेस द एंड ऑफ स्लेवरी एंड कमेमोरेट्स द रीडिंग ऑफ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जर्नल ऑर्डर विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 19 जून 1865, जून टींथ, 19 जून। अब इस दिन काफी वायलेंस हुआ यूएस में, वाई, बिकॉज ऑलरेडी यूएस के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, बिकॉज वन ब्लैक, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि वन ब्लैक वॉज किल्ड इन इम्प्रिजनमेंट बाई पुलिस, एंड आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज ब्रॉट पुलिस रिफॉर्म्स ऑल्सो, तो यूएस के अंदर, एंड आफ्टर दैट नो मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रिवोल्ट या लोगों के presentations are going on, so that is the something which we should know. So these were the news which I think I discussed with you. As I told you, slow and steady wins the race. Asta asta, every day you keep jotting down these topics, keep noting these points, and revise karte jao. Within 1 or 2 months your level of current affairs will shoot up tremendously. Thank you.